स्टैंड पे हमने पूछा था जब स्टॉक एक ब्रेकआउट दे रहा था 500 510 के स्तरों से, अब देखिए 580 आ चुका है, दो दिन में ही लगभग 15-20% का एक जो मूव कैच किया है वो हमने अपने दर्शकों के लिए हाईलाइट जरूर किया था। पर क्या फंडामेंटली एक टर्न अराउंड होते हुए देख रहे हैं आप वोकार्ट फार्मा में, क्योंकि कंपनी कुछ की ड्रग्स भी ला रही है, अगर उनका अप्रूवल मिलता है तो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है वोकार्ट फार्मा के लिए, क्या आपको इस पर भरोसा है? फ्रैंकली मुझे इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि जो बोलते हैं ना हिस्टोरिकली, अगर जितने भी ऑब्जर्वेशंस USFDA के वो कट पे आए थे, बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशंस रहे हैं हमेशा। और आज के दिन भी आप अगर देखो तो कंपनी में इतना बड़ा डेट है, और मेरे हिसाब से अब एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, लेकिन करीबन 70 या 75% तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आज भी प्लेस्ड होगा। अब प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, वो अक्रॉस दी फार्मा इंडस्ट्री हो रहा है। तो मैं बाकी फार्मा कंपनी जहाँ पे फंडामेंटल्स बढ़िया दिखते हैं, इनफैक्ट ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री में तो अच्छा दिखता है, लेकिन जहाँ पे सही में वैल्यूएशन कंफर्ट और मैनेजमेंट कंफर्ट और ट्रांसपेरेंसी कंफर्ट तीनों हो, वहां पे मैं लेना चाहूंगा। तो वो कार्ड अगर ऊपर और जाता है तो मेरी तो प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह रहेगी, क्योंकि जो पुराना कॉन्फिडेंस है वो अभी भी टूटा हुआ है, उसमें बनने में टाइम लगेगा।